जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने। गर्मी गलत शब्द नहीं है। फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसकी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो? सबसे बड़ी पार्टी की सरकार बनने के बाद उपमुख्यमंत्री बना, इससे आपको दर्द है मैं जानता हूं। देखो वो जनता वाली बात मत करो, इसलिए 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 मत करो। एक मिनट एक मिनट, वो मैं कहने जा रहा हूं ना, कहने जा रहा हूं मैं, कहना अध्यक्ष महोदय, जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने। नहीं निकली, नहीं नहीं, देखो गर्मी गलत शब्द नहीं है। गर्मी गलत शब्द, गलत शब्द क्यों मानते हो इसको? अरे अब तक खुश रहिए और देखिए क्या हुआ। फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अब आप बताइए किसकी गर्मी निकली अगर आप डिप्टी सीएम बन गए तो? ये क्या बात हुई? ये हार गए तो आप हारे कि नहीं हारे? हम तो स्वीकार करते जो जनता ने का दावा करने वाले सतर्क पे रह गए। और आप का दावा मैं नहीं कर रहा था, आप कर रहे थे। ठीक है, हम सतर्क पे रह गए, लेकिन आप पलट करके देखिए क्या बैलेट में हम लोग कितना जीते थे। बैलेट में कितना जीते थे और दुनिया में कितने देशों में ईवीएम से वोट पड़ता है ये भी बता दो माननीय सदस्य, आप बताइए दुनिया में। अगर आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी अगर उत्तर जानना चाहते हैं, सबसे बड़ी पार्टी की सरकार बनने के बाद उपमुख्यमंत्री बना, इससे आपको दर्द है मैं जानता हूं कि केशव प्रसाद क्यों बन गए दोबारा वो उपमुख्यमंत्री। मैं जानता हूं आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के विरोधी हो, आपको स्वीकार ही नहीं। मैं अगर आप पिछड़ा इस भेद में नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बात का दर्द है कि आज सारा का सारा जो आपने एक साम्राज्य स्थापित किया था वह साम्राज्य जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया, इसका दर्द है आपको, मैं जानता हूं। और आपके मैं दावे की चर्चा कर रहा था, एक माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कह रहा था कि 400 सीट का दावा मैं अपने एक ज्योतिषी मित्र से पूछ रहा था कि भाई ये 400 सीट का जो दावा है, जो 400 सीट का दावा है, इसमें क्या सच्चाई है? मुझे आश्चर्य यही लग रहा था कि यह क्या है, मतलब लगातार कई डिबेट में, कई इंटरव्यू में मैं आपके भाषण भी सुनता था, सभाओं में भी सुनता था, तो मुझे लग रहा था 400 का दावा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत निश्चित तौर से मैं भी जानता हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के बीच में हूं, जरूरतमंदों के बीच में हूं, दिन भर जनता से भी मिलता हूं, क्षेत्र में जाकर लोगों से भी मिलता हूं, तो मुझे पता था कि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता के इर्द गिर्द नहीं आएगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं इस सदन में कहूंगा तो वो दूसरे प्रकार की बात हो जाएगी। कैसे आपके नंबर इतने बढ़ गए? मेरा तो विश्वास था कि आप 47 का आंकड़ा नहीं पार करवाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता था कि आप 47 का आंकड़ा पार कर लिए, आप 100 से ज्यादा सीटें जीत लेकर के आ गए। वह ठीक है, जनता का जनादेश जहां तक पहुंचा है, आपको प्रतिपक्ष में रहने का मौका दिया है तो आप प्रतिपक्ष में रह करके, लेकिन कभी अगर एक बार गरीबों के बारे में अगर आप सोचते। मैं देख रहा था जोशी ने जो कहा है कि अभी श्री अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष तक सत्ता में आने का योग नहीं है। अब इसको मैं, ये मेरे मित्र ने कहा है, आप कहेंगे इसका प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं, ज्योतिषी गणना के हिसाब से बता दिया, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसे अभी 25 साल तक उधर बैठने के लिए तैयार रही, उधर बैठने के लिए तैयार रही। मेरे लिए क्या कहा है? दूसरों का मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के, आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी को कहना, मुझसे पूछे मेरे लिए क्या कहा? अरे आप नहीं चाहते थे केशव प्रसाद दोबारा उपमुख्यमंत्री बने, फिर उपमुख्यमंत्री बनकर के बैठा हूं। मैं तो कह रहा था मैं सदस्य बनकर के आऊंगा कि नहीं आऊंगा, आपको इसकी चिंता नहीं कि मैं वहां बैठ जाऊं, लेकिन आप चाहे जितना दूध। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।